संपदा पोर्टल पर हम लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, तो वहाँ पर लेकिन जैसे ही हम लोग अपलोड कर रहे हैं तो वो बता रहा है कि आपका 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, अगर आपका 100 KB से अधिक होगा तो वह लेगा नहीं। तो इसके लिए हमें जाना है, सबसे पहले एक ऐप हमें डाउनलोड कर लेनी है, फ़ोटो एंड पिक्चर, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। इस तरीके का इसका इंटरफेस है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर लें। ये पूरी ऐप का नाम है फ़ोटो एंड पिक्चर रिसाइजर फ्री वर्जन। तो हमें इसमें अपने किसी जो भी डॉक्यूमेंट है उसको ओरिजिनल ही हमें अपलोड करना है, इसलिए आप ओरिजिनल का ही फ़ोटो लें वहाँ पर। तो हमें इसके बाद जाना है इसके सेकंड ऑप्शन पर, टेक ए फ़ोटो, जो तो हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे टच करके सेकंड वाले रेड बटन को, और यहाँ से हम अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो उसको उसका पिक यहाँ से क्लिक कर लेंगे इससे। तो ये हमने अपने डॉक्यूमेंट का ये पिक क्लिक कर लिया और यहाँ से ये आ गया। अगर आपको लगता है कि सही नहीं आया है तो आप यहाँ से रीटेक मतलब दोबारा से कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि सही है तो ओके करके यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं ओके कर देती हूँ। ओके करके ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसके जो साइज़ है वो कितनी आई है, इसकी जो साइज़ है 3.2 MB की साइज़ आई है इसकी अभी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका साइज़ हमें कम करना है, 100 KB के लगभग में पहुंचाना है इसका साइज़। तो हम इसके लिए जाएंगे, अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो इसको पहली बात तो आप ऐसा ही फ़ोटो लें कि क्रॉप करने की आवश्यकता ना पड़े, और फिर भी अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये इसको मैं क्रॉप कर लेती हूँ बिल्कुल फिक्स, तो इससे थोड़ा सा साइज़ हमारा इसका ये देखिए यहाँ से हमने क्रॉप किया और ये आ गया। अब हो गया इसका साइज़ 1.8 MB। अब हमें क्या करना है इसके बाद, इसके साइज़ को कम करने के लिए यहाँ बीच वाले ऑप्शन पर जाना है रीसाइज, ये हम लोग गए। अब यहाँ से सबसे पहले आप 25% वाले पर करके देख लीजिए, ये मैंने इसको क्लिक कर दिया, अभी इसमें ऐड आ गया, अभी इसमें 171 KB, अभी 100 से ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रीसाइज पर जाएंगे और यहाँ से हम लोग यहाँ पर आप देख रहे होंगे कस्टम परसेंट लिखा हुआ है, तो इसको हमें टच करना है। और यहाँ पर देखिए आप इसको हम कर लेते हैं 10%, तो यहाँ से हमें ओके कर देना है, और ये हमने किया इसको ओके। ये देखिए 100 KB का हो गया, अब ये हमारा 100 KB का हो गया। तो अब हम क्या करेंगे इसको कि अब हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, वहाँ पर जो हमारी गैलरी होगी वहाँ पर ये ऑटोमेटिक ये रिसाइज़र करके रिसाइज़र फ़ोटो करके वहाँ पर आपका ऑटोमेटिक एक अलग फोल्डर बन जाएगा। तो वहाँ पर जाकर आप इसको चेक कर लें पहले कि हमारा ये फ़ोटो सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि रिसाइज़ करने से उसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाती है फ़ोटो की, तो इसलिए आप उसको पहले से कर लें। या फिर आप जब कर रहे हैं तो आप अपने जो परसेंट यहाँ पर हम लोग सेट कर रहे थे उसको पहले से सिलेक्ट करके रखें पहले से, क्योंकि अभी हमने इसमें 2 बार एडिटिंग की है तो इससे भी कुछ क्वालिटी डाउन हो जाती है, तो इसलिए हमें एक बार में ही 10% या 20% कर लेना है। अगर नहीं है तो आप दोबारा से प्रोसेस अपना के फिर से कर लें। तो हम इसको पहले देख लेते हैं, ये देखिए थोड़ा सा ब्लर जैसा हो गया है, तो हम इसको फिर से करना चाहें तो फिर से कर सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल सही दिखे थोड़ा सा ओरिजिन। देखिए आप इसको यहाँ पर मैंने क्लिक किया था तो ओरिजिनल वाली 3.2 MB की है, और जो हम लोगों ने ये रहा ओरिजिनल वाली, और ये जो ऊपर वाली है ये देखिए आप यहाँ पर 100 KB की हो गई है। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं सेव, या इसको आप शेयर भी कर सकते हैं,
और यहाँ पे और भी ऑप्शन है, आप वहाँ पर जा कर के खोल करके देख लेंगे। यहाँ देखेंगे कि ये फ़ोटो रिसाइजर करके ये मेरा फोल्डर बन गया है मेरी गैलरी में, एल्बम में। तो और यहाँ से जा कर के हम ये सारे, हमें बनाना नहीं पड़ेगा, ये फोल्डर अपने आप ऑटोमेटिक बन जाएगा। और जो भी हम इसको फोल्डर में खोल करके हम देखेंगे, वो सारी की सारी फ़ोटोज़ यहाँ पर आती जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखें कि ये इस तरीके से थोड़ा ब्लर सा दिख रहा है, तो आप इस फ़ोटो को डिलीट करके फिर से दोबारा से अपना फ़ोटो बनाएं, क्योंकि हमने दो बार किया था इसलिए थोड़ा सा ब्लर जैसा हो गया है। तो हम इसको दोबारा से बनाएंगे। यहाँ से मैंने फिर से फ़ोटो खींच लिया, टेका फ़ोटो। यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा ले लेते हैं ऑटोमेटिक ही, ये मतलब अनुक्रमांक और इसका नंबर वगैरह जरूर अच्छे से दिखना चाहिए, ये नहीं कट होना चाहिए। तो हम पहले ही इसको ले लेते हैं इस तरीके से, इसका फ़ोटो ये हमने कर लिया इस तरीके से। यहाँ से ओके किया, ये आ गया। अब देखिए अभी भी ये 3.4 MB बता रहा है इसका साइज़। अब हमें यहाँ पर रीसाइज़ पर जाना है, यहाँ से फिर हम जाएंगे कस्टम पर, कस्टम किया, यहाँ से 10% किया, यहाँ से ओके। देखते हैं, ये देखिए 63 पर आ गया। यहाँ से हम लोग चेक कर लें कि कितना ब्लर है, कितना सही दिख रहा है। तो अभी थोड़ा सा सही दिख रहा है, तो हम लोग इसको अपलोड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मेरा डिटेल्स सही दिख रहा है इस वाले में पहले की अपेक्षा, क्योंकि हम लोगों ने इसको दोबारा से नहीं किया, और ओरिजिनल वाला वह अपलोड नहीं होगा क्योंकि ये इसका साइज़ बड़ा है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे अपने जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो सारे के सारे आप इस तरीके से बना करके फोल्डर में सेव कर लीजिए। फिर वहाँ इसके आगे के लिए वीडियो में अगला वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से हम लोगों को मानव संपदा पोर्टल पर जा करके अपनी प्रोफाइल में इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है।